एडिक्शन ऑफ ऑल सॉर्ट्स, एक तो ड्रग्स की अल्लाह माफ करे, फिर ये जो नया फितना आया अरसलान भाई पॉर्न, इट इज़ डिस्ट्रॉइंग देम लिटरली। मतलब 14 साल 13 साल का बच्चा अगर इस, बल्कि इससे भी छोटा 11 साल का बच्चा एक्सपोज हो जाता है तो पता नहीं वो 25 साल तक वो किस तरह सर्वाइव क्या करेगा। शादियाँ भी लेट हो रही हैं रियली, ये तो मेस है बहुत। इस पर मैं चाहता हूँ आप कुछ कमेंट करें। शेख, आई थिंक द पॉर्न फैक्टर इज जस्ट यानी इंसेन, इट्स ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन यानी इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। और वो आदमी जिसने कहा ना, मेरे पास तो ऐसे भी केसेस माए टाइम्स बता दें कि नाबालिग बच्चे बच्चियाँ इसमें पड़ गए, विच इज़ अ साइकोटिक प्रॉब्लम इज वेल, बिकॉज जब आप बालिग नहीं हैं तो टेक्निकली तो वो डिज़ायर्स भी नहीं है, बट that it's just horrific and it's just something that I think hum, as elders hum sabko ek to muashre mein realize karne ki zarurat hai ki isme kya hua hai. And I think problem porn ka jo hai na wo shuru social media se hi hota hai, ki it is ads, it is exposure to obscene images that eventually take you there. And that's something that where we have to sort of realize ki ye koi maulvi wali baat nahi hai nazar ki hifazat karna ya ye sara kuch karna, balki isme aapka tahaffuz hai ki jo over exposure to a lot of things hai. Aur wo part I think hamare paas isliye nahi hai ki acha iska waise bhi mere paas actually jawab bhi nahi hai isliye kyunki ऑल्टरनेट क्या है इसका, यानी मिसाल के तौर पे एज एडल्ट्स आई एम श्योर, मुझे आपका नहीं पता, मैं तो अपना बड़े ओपनली कहता हूँ, आई एम स्ट्रगलिंग विद द फैक्ट कि मैं अपने फ़ोन टाइम को कम करना चाहता हूँ। सही। एंड मैं वो नहीं हूँ जो इंस्टा और उस पर पैदा हुआ था, बट मुझे पता है कि मेरा भी स्क्रीन टाइम, अच्छा वो बड़ा एडिक्टिव है। यूट्यूब एक जमाने में मैं सिर्फ यूज करता था सिर्फ बयान देखने के लिए, अब यूट्यूब शॉर्ट्स है, व्हाट्सएप का ये जो स्क्रोल करने का और स्वाइप करने का कल्चर है, ठीक है, अगर हमसे नहीं हैंडल हो रहा तो वो जो बेचारा है ही 15 साल का 14 साल का उससे कहाँ हैंडल होगा। लेकिन अच्छा उसकी सोल्यूशन ये नहीं है ना कि आप बच्चे से फोन छीन लें, कि मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन हेल्प। आज देखो 2 साल पहले की बात है, वो हमने एक नसिया में सेशन करवाया लव लॉक्ड का, जिसमें मॉडेस्टी और इन पे बातें थी, तो स्कूल ने हमें कहा कि जी आप रेप्लीकेट कर दें, तो मैंने कर दिया। स्कूल का बयान आपको पता है थोड़ा सा डिजास्टर होता है, बच्चे बड़े जिटरी भी होते हैं, मैं रिलक्टेंट ही होता हूँ कि इतने बड़े, तो टू माय सरप्राइज बहुत सारे बच्चों ने और इवन बच्चियों से तो ने कई तरह से पैगाम कि जी हमने इंस्टा डिलीट कर दिया। अच्छा। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार यानी इसका मतलब है कि अल्लाह नबी की बात असर करती है, कि वो बार बार एक रिमाइंडर देना इन अ डी पर्सनलाइज मैनर। एक बार ना कोई माँ सर पे खड़ी है कि डिलीट कर दो, बस कर दो, वो ये हो जाओ, जैसे बड़ी उम्र में बेगम सर पे खड़ी हो जाती है, ठीक है। सो आई थिंक वो एक बात है कि यू गिव देम दैट एडवाइस एंड यू लेट देम थिंक फॉर देमसेल्फ्स एंड यू मेक देम रियलाइज अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वो कहीं ना कहीं वो चीज जो है ना आपको हिट करती है कि यार इसकी क्या वो पार्ट है। मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने जो है ना वो पॉइंट किया मेंशन, एंड एब्सोल्युटली फर्क पड़ता है। और आपने कहा ना कि वी शुड अंडरस्टैंड कि वो निकलना चाह रहे हैं लेकिन कोई शायद अल्टरनेट नहीं है या दे आर स्टक, फिर सोशल प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। तो अल्टरनेट आई थिंक ये बड़ा अच्छा है कि ऐसे क्लब्स बने, ऐसे एवेन्यूज बने, एक तो स्पोर्ट्स के हवाले से, एक्टिविटीज़ के हवाले से, फिर डिस्कशंस हो वहाँ पे, यूथ को वहाँ पे ओपिनियन देने के लिए भी एक जगह मिले। तो ये हमारी भी कोशिश है अरसलान भी, अल्हम्दुलिल्लाह यूथ क्लब की भी, माशाल्लाह आप लोगों की भी है, कि यूथ आएँ साथ जुड़ें, उन्हें हम वॉलंटियर वर्क में इन्वॉल्व करें, सोशल वर्क में इन्वॉल्व करें। मैनी अ यूथ हैव एक्चुअली चेंज देयर वेज, अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव लेफ्ट एडिक्शंस, दे हैव फाउंड द पर्पस। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अल्टरनेट आई थिंक है कि वी नीड टू स्टेप अप, और हमें ऐसे एवेन्यूज क्रिएट करने चाहिए जहाँ पे यूथ जो है वो प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड कर सकें। दूसरा जो हमने डिस्कस किया कि बीइंग ओवर कॉन्शियस अबाउट देमसेल्फ, इसका ताल्लुक आई थिंक टीनेज हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर के साथ, अगर मैं साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन करूँ, हम भी ऐसे ही थे, हमें हर वक्त कॉन्शियसनेस होती थी, हाउ एम आई लुकिंग, हाउ इज ऑपोजिट जेंडर जो है वो हमें कैसे देख रहा है, और ये कि अपना फैशन भी करना, ये सारी चीज़ें इट्स पार्ट ऑफ द टीनेज। आपकी देखी है मैंने कोई हसीन सी तस्वीर की थी, आई थिंक टॉप के उसमें या कहीं जी 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 लंबे लंबे बाल, जाहिर है लंबे बाल रखना और फिर ये इस तरह की हरकतें, जाहिर है ये तो पार्ट ऑफ द पैकेज है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफ़ी चीज़ों से बचाया। बट ये इस मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे एक्चुअली कि चलें ये पार्ट ऑफ द पैकेज है, नॉर्मल भी है, लेकिन वेयर टू ड्रॉ द लाइन। जैसे उसने कहा कि मेरा ये एक रिग्रेट है कि मैंने इसमें बहुत टाइम वेस्ट किया प्लीजिंग अदर्स, तो वेयर टू ड्रॉ द लाइन कि नहीं ये चीज़ अब गलत हो रही है। आई थिंक आई रिमेंबर हियरिंग दिस सेंटेंस बाय वन ऑफ द स्कॉलर्स दैट
don't ruin your akhirah for somebody else's dunya. And it really stuck with me. This is something that, you know, if you were to think about it, ke, who am I doing it for? किसी और की दुनिया को या किसी और की आंखों को या किसी और की परसेप्शन को प्लीज करने के लिए मैं अपनी आखिरत बर्बाद करता जा रहा हूँ. ठीक है. आई थिंक इट गोज बैक टू अगेन द इनिशियल थिंग दैट वी स्पोक अबाउट, जिसने शुरू किया था, कि इट्स अ लैक ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस ना, बिकॉज आइडेंटिटी क्राइसिस है तो बच्चे को पता ही नहीं है क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं है, कैसे वो है, कैसे नहीं, फर्क पड़ता. एंड वो पार्ट है मुझे याद है, बल्कि आप और तोहा भाई आए थे BNU. ठीक है. तो तोहा भाई पहले पहुंच गए थे, आप लेट आए थे. सही. तो तोहा भाई ने मुझे ऑफिस में बैठे हुए थे तो मुझे कहते हैं, मुझे एक बात बताओ, तुम ऐसे ही फिर रहे होते हो BNU में. सही. ठीक है. तो आई सेड हाँ, मैं ऐसे ही फिर रहा हूँ. तो कहते हैं वो कुछ कहता नहीं है. तो मैंने उनको हंसते हुए कहा, मैंने कहा मेरे ख्याल से अब मुझे इतने साल हो गए कि आई डोंट रियली इवन केयर. शुरू में शायद फिर भी होता था, वो करता था, बट एक चीज़ है कि कहने का मकसद है कि ये तो खैर मैं तो बहुत ही शायद कट्टर होलिया में हूँ, बट यानी नॉट टू से कि दिस इज दी ओनली वो, बट आई थिंक इट्स अबाउट द फैक्ट कि जब आप एक चीज़ को इंटरनलाइज कर लेते हो ना, एंड यू स्टार्ट टू रियलाइज कि यार ब्यूटी इज जस्ट स्किन डीप. ठीक है. एंड अंदर का इंसान कैसा है और क्या वो है, तो वो दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है. सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. जज़ाकअल्लाह.